कहाँ है रो है? निन्नी हो रही है? वाओ, ओहो, सही लग रहा है यार, ये तो बहुत ही सही। यहाँ पे तो ड्रोन शॉट भाई साहब बहुत ही गजब का आता, बहुत ही गजब का। सब मस्त ठीक ठाक चल रहा है, बस आपके वीडियोस देखते रह रहे हैं और इंस्पायर भी हो रहे हैं। तो ये हैदराबाद का फेमस है चटनी? हाँ, साउथ इंडियन की भी। ओके, तो वन ऑफ द फेमस रेस्टोरेंट। चलिए, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सब नॉर्थ इंडियन, बिरयानी भी मिलती है? बिरयानी नहीं, नॉर्थ इंडियन मिलता है। ओके, नॉर्थ इंडियन है, फिर वो सब मिल गया। चलो दादा मंगाओ, क्या मंगाना है? देखो जो स्पेशल हो वो मंगा लो। 70 mm डोसा आता है। 70 mm? हाँ, तो दो बंदे खा सकते हैं? हाँ आराम, तीन खा सकते हैं। तीन खा सकते हैं, इतना बड़ा है। तो वही मंगाओ। एक 70 mm डोसा रहेगा। 70 mm बड़ा वाला है। वो क्या और? अभी तो ला लो, देखते हैं। 70 mm दो थाली के अंदर आया। ये मसाला डोसा है और ये आ गया सांभर। चटनी पहले ही आ गई ना? चटनी दिया पहले। अलग अलग किस्म की चटनी है। चटनी ये किस चीज़ की है? ये अलग इनकी आती है, अदरक की। अदरक? अच्छा, अदरक वगैरह मिक्स होती है। ये मिर्ची चटनी है, ये दाल की। ये मिर्ची की है? हाँ। अच्छा, ये दाल की, ये दाल की चटनी है, नारियल की चटनी है। डिफरेंट डिफरेंट चटनी है। धूम मचा देंगे आज तो, एकदम धूम मचा देंगे, आग लगा देंगे। मौत डाल के जाएंगे इधर, मौत डाल के जाएंगे, मौत डाल के जाएंगे। या फिर बस अंगार लगा देंगे, बस मजा आने वाला है। और ये था ली मैरिडिन होटल, जहाँ पर कि हमारा स्टे है। आज लास्ट डे है, मतलब कि आज रात को रुकेंगे और फिर कल सुबह हम निकल जाएंगे। कहाँ के लिए? बेंगलोर। हाँ, बेंगलोर। बेंगलोर जाने वाले हैं कल, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कन्याकुमारी और फिर त्रिवेंद्रम, और त्रिवेंद्रम से मैं फ्लाई करके सीधा दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरा जो रोड ट्रिप है वो करीबन 10 या 11 दिन का होगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, यहाँ पर करने आए हम शूट। सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और ये रहा चार मीनार हैदराबाद का। वैसे यहाँ पर आने दे नहीं रहे थे पुलिस वाले, लेकिन फिर थोड़ी सी परमिशन मांगी तो हो गया। बेसिकली फोटोग्राफ आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। आज की जो मीट है वो है फीनिक्स एरेना में, और मुझे लग रहा है कि मैं आगे या पीछे हो गया कहीं। क्या हाल चाल? इधर इधर से मिलाते इस वाले हाथ से। हाथ में थोड़ा सा लगा हुआ है ना। हाय हाय हाय, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। हाय, फाइन मैन, फाइन, थैंक यू। ओके ओके जी, डन डन डन। चलो जी ऊपर चलते हैं। ग्रेट, एक मिनट। हाँ निकला। ओ क्या बात, सनी भाई पहले पहुंच गए हमसे रॉकेट पे। नहीं
तो अभी जस्ट थोड़ी देर में हो जाएगी मीट स्टार्ट, फिर होगा धमाल। बहुत सारे लोग आए हुए हैं और ये दो भाई लोग कहाँ से आए आप? आंध्रा से 250 किलोमीटर दूर से आए हैं ये मीट अटेंड करने के लिए। भाई साहब दैट्स क्रेजी। तो भाई ऑलमोस्ट मीटअप इज डन और बहुत सारे मोटो व्लॉगर्स यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स से मिला हूँ, कुछ फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ ट्रैवल व्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कंटेंट से भरमार हो रखी है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर है अपने राइड विद विजय भाई ना? हाँ सही बोला भाई। और ये छोटी सी बिटिया इनकी सी? नाइस। तो कैसा चल रहा है सब? मस्त, सब मस्त ठीक ठाक चल रहा है। बस आपके वीडियोस देखते रह रहे हैं और इंस्पायर भी हो रहे हैं। अभी दीपक भाई ने मुझे वादा किया कि ड्रोन सिखाएंगे मुझे। पक्का और वेरी सून देखते हैं, अगर मिलता है तो कुछ कोई राइड भी साथ करेंगे। हाँ, पक्का। तो ये भाई भी है, ये फूड ब्लॉगर है जिनकी मैं बात कर रहा था। ये बेसिकली फूड ब्लॉगिंग करते हैं। क्या नाम था चैनल का? माई इंस्टा हैंडल इज हैदराबाद फूड बाइकर। Okay. So I post like food content also. I'm also a biker. Like my longest ride is 3,300 kilometers from Hyderabad to Kanyakumari and back. So लेकिन basically मैंने इनकी जो Instagram profile देखी ना उसमें ज़्यादातर food के photos। Yeah. It's alternate like one travel post and one food post in that way. I maintain it. Thank you so much. Nice meeting you, bro. चलो जी, आज का जो सफ़र है वो करते हैं शुरू होटल ली मेरिडिन हैदराबाद से। और हम चला रहे हैं हल्की फुल्की ये TVS की एंटॉक, लाइटवेट, निम्बल एंड अमेजिंग मशीन जो कि कैस्ट्रोल पावर 1 अल्टीमेट से पावर्ड है। मस्त चल रही है, दो तीन दिन से मैं इसको चला रहा हूँ। बीच बीच में अपाचे भी चलाई है। और अब निकलते हैं आगे बेंगलोर की तरफ। लो जी, जय माता दी। अरे अंकल आराम से। पेट्रोल ढूस दो, ओनली 2 बार्स। हाँ, डुन 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 डुन। हैदराबाद की एक चीज़ तो खास लगी यार मुझे, यहाँ पर बहुत ऊंची बिल्डिंग्स हैं और जो एरिया है ना काफ़ी अच्छा बना हुआ है जितना भी मैंने अभी तक हैदराबाद देखा है। सी, कल रात को भी हम घूमे थे, परसों भी घूमे थे, मतलब काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बढ़िया बना हुआ है। और ये जो हाईटेक सिटी है वो तो बहुत ही सही है यार। ये कौन सा पहाड़ी सा रास्ता आ गया? राइट हैंड साइड पर एक बहुत बड़ी लेक है। खैर मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर हैं हम, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूँ सुनील जी को। ये देखो जी, क्या सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है। किधर जाऊं? उधर सी, दिस इज द लेक
लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन सी लेक है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ पहाड़ी जैसा रास्ता है यहाँ पर और हम हैदराबाद से मेरे ख्याल से 10 या 15 किलोमीटर आए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई साहब ये है कुरनूल शहर और यहाँ पर ये देखिए विष्णु भगवान की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है और वो अपने रथ पे सवार है। तो यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ लेने के लिए रुका और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सुनील जी और पूरी टीम रुकी हुई है और आज का जो लंच का पिट स्टॉप है वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं लंच। हाँ फाइनली आज का पिट स्टॉप पार्क एंड ईट। बहुत देर हो गई चलाते चलाते TVS एंड टॉर्क। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और यहाँ चल रहा है फोटोग्राफी सेशन। ये भाई लोग फ़ोटो ले रहे हैं अपनी निंजा S2 पे। और कहाँ है भाई साहब? ये रहे भाई साहब हमारे। क्या टाइम पास कर रहे हो? उधर हो टाइम पास कर। अरे सामान भी इधर ही पटक दिया। ओ उनको देखो कहाँ है रो है निन्नी हो रही है। मुझे भी नींद आ रही थी रास्ते में। अब कुछ नज़ारे अच्छे अच्छे से नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। भाई पानी है कहीं यहाँ पे? उधर है तो पानी पीते हैं और फिर निकलते हैं। हो भाई साहब, ओहो यहाँ पे भी कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल हो रखा है। सही है भाई, सही है, कैस्ट्रोल ने धूम मचा रखी है। सी कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट हमारी सारी गाड़ियों में डला हुआ है। आओ जी पानी पियो जी, ठंडा ठंडा पानी। मेरी जो जर्नी है रोड ट्रिप यूनाइटेड 2021 में शुरू हुई थी चेन्नई से और अभी तक पहुँचे हैं हम, मतलब आज पहुँच जाएंगे बेंगलोर। तो करीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर मैं चला चुका हूँ। बाकी मेरे ख्याल से 1000 किलोमीटर और मैं चलाऊँगा कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम तक, क्योंकि कन्याकुमारी जाएंगे फिर त्रिवेंद्रम में आऊँगा और त्रिवेंद्रम से मेरी जो फ़्लाइट है वो उड़ जाएगी सीधा दिल्ली के लिए। बाकी अभी मैं चला रहा हूँ TVS की ये एंटॉर्क जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अंदर डला हुआ है कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही है कि भाई मेरी जितनी भी बाइक्स होती हैं उनमें भी कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट डला ही होता है और परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार आती है और इन बाइकों में भी सभी में कैस्ट्रोल पावर वन अल्टीमेट डला हुआ है। परफॉर्मेंस जैसा कि मेरी बाइकों में अच्छी आती है तो ऑब्वियसली सी बात है कि भाई इनमें भी काफ़ी अच्छी आ रही है। इतनी बड़ी बाइक्स है और साथ में एंटॉर्क भी चल रहा है। भाई देखो कहाँ 125 cc, फिर वो 2500 cc और वो 1000 cc और फिर 310 cc, सारी की सारी एक साथ चल रही है। मतलब बॉन्डिंग अच्छी चल रही है ना, और मस्त वाली। हाँ रॉकेट पे है फिर भी। भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल है। जब मैंने ट्रेसिंग द रूट्स करी थी तब भी यहाँ पर रुके थे, ऑन रोड रुके थे लेकिन अंदर नहीं गए थे। यहाँ पर चाय पानी वगैरह पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बाकी मनन भाई की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उनको पैरासीटामोल वगैरह देनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी ये जो मंदिर है इस्कॉन टेम्पल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इतने बड़े बड़े घोड़े देखिए, पूरा रथ की जो शेप है ना वो दी हुई है। सी वाओ, ओहो सही लग रहा है यार ये तो, बहुत ही सही। यहाँ पे तो ड्रोन शॉट भाई साहब बहुत ही गजब का आता, बहुत ही गजब का अल्टीमेट। हाँ ओए भाई
भाई साहब, बड़ी ही देर बाद, बड़ी ही मशक्क़त के बाद, बड़ी ही दुविधाओं के बाद पहुंच गए हैं हिल्टन होटल। टाइम हो गया पूरे 12:05। पिछवाड़े का चबूतरा बन गया भाई। सब सुन हो चुका है। चलो जी, मिलते हैं आपको सीधा रूम में या फिर अगली सुबह। अब हिम्मत नहीं है कुछ करने की। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo en la reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se dosis.